और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। धर्म की नगरी काशी में रमजान के मौके पर सेवई की मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। ईद के त्योहार पर यह सन्नाटा व्यापारियों के लिए चिंताजनक बनी हुई है। वाराणसी के सेवई मार्केट में आज से पहले ईद के मौके पर ऐसा सन्नाटा नहीं पसरा था, लेकिन इस बार कोरोना ने सेवई बाजार को पूरी तरह बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। वाराणसी की सेवई देश में काफी मशहूर है, यही वजह है कि इन सेवइयों की डिमांड पूर्वांचल सहित देश के कई राज्यों में खासा डिमांड रहती है और इसकी वजह से सेवई मार्केट ईद पर गुलजार रहता है। लेकिन कोरोना के कारण सेवइयों की डिमांड आधे से भी कम हो गई है, जिससे सेवई व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा त्यौहार ईद सेवई की अलग अलग पहचान होती है। ईद के मौके पर घरों में तरह तरह की सेवइयां बनती हैं और लोग इसे बेहद पसंद करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना ने घरों से सेवइयों की रेसिपी को समेट कर रख दिया है। वाराणसी के सेवई मार्केट में इस बार सन्नाटा पसरा हुआ है और व्यापारी काफी चिंता में है। व्यापारियों का कहना है कि वाराणसी की सेवई की डिमांड काफी होती है और ईद के मौके पर पूर्वांचल सहित देश के विभिन्न राज्यों में काफी डिमांड आते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार डिमांड आधे से भी कम हो गया है। व्यापारियों ने बताया कि पिछली बार कोरोना में जो मार्केट था इस बार वह नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों के अनुमान के अनुसार इस बार सेवई मार्केट में डिमांड न होने से बाजारों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। अपना नाम बताएं। हम सच्चेलाल अग्रहरी हैं, तो यहाँ वाराणसी सेवई गृह उद्योग एसोसिएशन के महामंत्री। सेवई का कारोबार है, तिवारी ईद के मौसम पर ये मुसलमान तिवारी व्यंजन का प्रमुख जो है ये आइटम है सेवई। ये बहुत ही ईद पर अत्यंत जरूरी है, और यहाँ मंडी में इसीलिए बढ़ चढ़ कर इसका कारोबार होता है, और ये यहाँ से करीब करीब बनारस पूर्वांचल के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी यहाँ से माले जाती हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काफ़ी जो है दिक्कत हुआ और व्यापार में बहुत मतलब कि दिक्कतें आई और व्यापारी कस्टमर बहुत कम आए, जिससे व्यापार में नुकसान हुआ। कितना कारोबार होता था उतना हो नहीं पाया। पिछले बार से की पारी से क्या फर्क पड़ा आपको? एकदम समझे, पिछली बार से कारोबार आधा से भी कम हुआ, और व्यापार कम होने से परेशानी है। हम लोग तो इसमें जो है ये गृह उद्योग में आता है, हम लोग बराबर कई साल से सरकार से चाहते हैं कि हम लोगों को भी बुनकरों की तरह सब्सिडी बिजली में और अन्य चीज़ों में, जिससे कि सब्सिडी दिया जाए, और बैंक लोन वोन में भी कम से कम परसेंटेज पर हम व्यापारियों को। ये माल आपकी बाहर भी जाती है क्या? हाँ, बाहर यहाँ से अन्य प्रदेशों में भी, बम्बई है, महाराष्ट्र जैसे है, महाराष्ट्र बंगाल और दिल्ली वगैरह जाती है यहाँ पे। एक ही पारी बाहर गया कि नहीं गया कोरोना महामारी? कम गया, शुरू में जो गया गया, जो ये कोरोना फिर लॉकडाउन का हल्ला मचा तो फिर सब रुक गया।